हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 28 जनवरी 2024 है। छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। राज्य में जल संसाधन विभाग के प्रतिवेदन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के कितने नदी कछार का वर्णन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 4, 6, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 है। ठीक है, कितने नदी कछार का उल्लेख है तो 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड किसे दिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजा राम त्रिपाठी, गोविंद साहू, प्रताप उराव, गणपत जायसवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा राम त्रिपाठी को देश का सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से नवाजा गया है और उसको प्राप्त किया गया है पूरे देश में। ठीक है, और यह किस जिले से संबंधित है? तो यह कोंडागांव जिले से संबंधित है। अब कोंडागांव की बात आई है तो कोंडागांव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कोंडागांव की स्थापना 2012। जिला मुख्यालय कौन सा है? तो कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव किस नदी के किनारे बसा है? तो कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, मातृत्व जिला क्या है? तो बस्तर से। ठीक है, बस्तर से पृथक करके कोंडागांव जिले का निर्माण किया गया है। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है, जिसमें कुल 12 मोड़ स्थित है। ठीक है, और यहीं पर है तेलीन माता मंदिर। ठीक है, कोंडागांव काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कोंडागांव को शिल्प ग्राम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यहीं पर है धातु शिल्प कड़वा कला, कलाकार जयदेव बघेल की क्या है? तो जन्म स्थली है। छत्तीसगढ़ की सभी जिलों में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है? तो कोंडागांव जिले में है। केशकाल एवं उदरवादी में बक्साइट के भंडारण है। इस क्वेश्चन से आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार घुंची नृत्य से जुड़ी हुई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सरोजिनी नायडू, पद्मावती, रश्मि साहू, अलका चंद्राकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पद्मावती इससे संबंधित है। ठीक है, जो घुंची नृत्य है इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित शांता आश्रम यहाँ किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, धमतरी, बिलासपुर, सुकमा, राजनांदगांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धमतरी जिले से यहाँ शांता आश्रम संबंधित है और यहाँ धमतरी जिले में स्थित है। अब धमतरी जिले की बात आई है तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना 1998, मुख्यालय धमतरी, मातृत्व जिला रायपुर, रायपुर से पृथक करके धमतरी जिले का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर जो राज्य सीमा वाला जिला है वो धमतरी है। अभयारण्य सीता नदी अभयारण्य 1974 प्रदेश का प्रथम अभयारण्य एवं सबसे प्राचीन अभयारण्य 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ पर मुख्य नदी महानदी उद्गम सिवाहा पर्वत से लंबाई 858 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? तो 286 किलोमीटर बहती है। सिलियारी नदी उद्गम गढ़सिल्ली से हुआ है। मुख्य परियोजना रुद्र बैराज 1915 छत्तीसगढ़ के प्रथम परियोजना। गंगरेल बांध पंडित रविशंकर जलाशय 1978-79 में हुआ है। दुधवा जलाशय, माड़सिल्ली बांध, सिलियारी नदी पर
स्थित है। श्यामतराई प्रस्तावित लघु औद्योगिक क्षेत्र ये प्रस्तावित है, ठीक है। बागोद धमतरी में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है। हर्बल पार्क की स्थापना धमतरी जिले में की जा रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस पहाड़ पर बोनसाई पौधा पाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बैलाडीला, कबरा पहाड़, कादावाली पहाड़, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बैलाडीला पहाड़ी पर यहाँ जो बोनसाई पौधा है पाया जाता है, ठीक है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया गढ़।